नमस्कार मित्रों, मैं तरुण शर्मा हमारे अगले वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। अस्थमा के लिए, सर्दी खांसी अस्थमा इन सारी चीज़ों के लिए मैं एक छोटा सा एक वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। इसमें हमने हमारा ये जो एरिया देखा था वो था हमारा लंग्स का एरिया, और यहाँ देखे थे हार्ट का एरिया। साथ ही साथ मिनी करस्पॉन्डेंस में ये जो एरिया है ये लंग्स का एरिया है और यहाँ पर ही हार्ट का एक पॉइंट है। साथ ही साथ ये लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है। हमें इस जिमी से इस एरिया में धीरे 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 हम इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। जहाँ भी तकलीफ हो वहाँ पर हम उस पॉइंट को पकड़ कर वहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फिट करेंगे। साथ ही साथ हार्ट के पॉइंट को भी हम स्टिमुलेट कर देंगे। साथ ही साथ मिनी करस्पॉन्डेंस पे भी हम इसको चलाएंगे और इसको चेक करेंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट को भी क्लॉकवाइज यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ ले जाएंगे, इस तरीके से। ये लहसुन है, इसको आपने बीच से दो भाग कर लेना है तो ये लंग्स के जैसा हो जाएगा। इसको पेपर टेप पर चिपका लेंगे और इस लंग्स के पॉइंट पर इसको हम रात भर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, यहाँ पर भी इसको आप लगा सकते हैं, इस तरीके से। चाहे हम यहाँ पर मेथी की पट्टी भी हम ये इस तरीके से, ये मेथी की पट्टी भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ये रात भर लगा के छोड़ना है इसे। और एक्यूट अस्थमा का जब अटैक होता है उस समय आपने